Hello friends, welcome to PsArt. I am Nina Jain. For learning Photoshop from basics to advanced, please subscribe to this channel and press the bell icon to get daily videos. आज के वीडियो में हम ये हेलोइन जैको लैंटर्न बनाएंगे जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए. अब सबसे पहले इसे क्लोज कर देंगे. मैंने ये पम्पकिन का PNG इमेज पहले से ओपन कर रखा है. अब सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए फाइल मेन्यू में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे विड्थ आपको 1280 और हाइट 720 रखनी है, पिक्सल्स में ही रखना है. अब ओके पे क्लिक करेंगे. अब बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फोरग्राउंड कलर ब्लैक है, मुझे ब्लैक ही रखना है. अब यहाँ पे ग्रेडियंट टूल है, वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पेंट बकेट टूल सेलेक्ट करेंगे. अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर फिल हो गया. अब पम्पकिन की इमेज मुझे यहाँ पे लानी है तो इसके लिए मैं ये पम्पकिन का जो टैब ओपन है उस पर क्लिक करूंगी. अब मूव टूल सेलेक्ट करूंगी यहाँ से. अब ऑल्ट की को होल्ड करते हुए इसे ड्रैग करूंगी, इस टैब में होल्ड करूंगी और अब शिफ्ट की को होल्ड करते हुए यहाँ पे ड्रॉप करूंगी ताकि ये सेंटर में आए. अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी प्रेस करूंगी, इसकी साइज बढ़ानी है. इसके लिए ऑल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते हुए इसे मैं साइज में बढ़ा दूंगी, इतनी ठीक है. अब यहाँ पे क्लिक करेंगे. पम्पकिन का कलर बहुत ब्राइट है, आप देख सकते हैं. इसे थोड़ा डार्क करना है तो इसके लिए एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और यहाँ पे कर्व्स इस पर क्लिक करेंगे. अब यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लूंगी थोड़ा, इसे डाउन कर लूंगी थोड़ा और यहाँ से इसको डाउन करूंगी. अब यहाँ पे क्लिक करेंगे. अब फिर से एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और ह्यू एंड सैचुरेशन इस पर क्लिक करेंगे. अब सैचुरेशन लेवल इसका कम कर लूंगी मैं, -20 कर लेती हूँ. अब यहाँ पे क्लिक करेंगे. अब इसका ब्लेंड मोड चेंज कर लूंगी मैं, अभी नॉर्मल है. मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आप देख सकते हैं ये डार्क हो गया. अब पम्पकिन पे फेस बनाना है तो इसके लिए यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करेंगे. इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं लेयर 2 करके न्यू लेयर क्रिएट हो गई. इसको रीनेम कर देंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे. अब यहाँ पे इसे मैं नाम दे दूंगी लेफ्ट आई. अब एंटर की प्रेस करेंगे. अब मैं इसे थोड़ा जूम इन कर लूंगी, इसके लिए ऑल्ट की को होल्ड करते हुए स्क्रॉल अप करूंगी. अब लेसो टूल सेलेक्ट करूंगी यहां से. अब यहां पे आई बनाना है. ये सिलेक्शन बन गया. अब ब्लैक कलर फिल करना है इसमें तो फोरग्राउंड कलर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर है. अब ऑल्ट की को होल्ड करते हुए बैक स्पेस की प्रेस करेंगे, ब्लैक कलर फिल हो गया. अब सिलेक्शन हटाना है तो इसके लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए डी प्रेस करेंगे. इसकी साइज थोड़ी बढ़ानी है, इसके लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी प्रेस करेंगे और ऑल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते हुए इसे ड्रैग करेंगे, इतनी ठीक है. अब इसे एडजस्ट कर लेंगे. अब यहां पे क्लिक करेंगे. अब लेफ्ट आई जो लेयर है इस पे राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे. अब यहां पे बेवल एंड एम्बोज इस पे क्लिक करेंगे. यहां पे स्टाइल अभी इनर बेवल है, आपको आउटर बेवल रखनी है. टेक्निक स्मूथ ही रखनी है, डेप्थ बढ़ानी है आपको 500% कर देंगे और डायरेक्शन डाउन रखना है और साइज 10 पिक्सल कर देंगे. एंगल 120 डिग्री रखेंगे, एल्टीट्यूड 30 डिग्री रखना है. हाईलाइट मोड में अभी कलर वाइट है तो ये कलर चेंज करेंगे. इसके लिए यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, लाइट ऑरेंज रखेंगे. अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे. ओपेसिटी 75% ही रखनी. शेडो मोड में अभी ब्लैक कलर है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर रख देंगे, ऑरेंज का जो है वो डार्क शेड रख देंगे, ये ठीक है. अब ओके पे क्लिक करेंगे. इसकी ओपेसिटी भी 75% रखेंगे. अब ग्रेडियंट ओवरले इस पे क्लिक करेंगे. अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ये ऑरेंज और येलो ऑरेंज दिख रहा है, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है. यहाँ पे 3 शेड है आप देख सकते हैं, ऑरेंज येलो ऑरेंज,
तो यहाँ पे लास्ट जो ऑरेंज है इसकी जगह व्हाइट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अब ओके पे क्लिक करेंगे, तो स्टाइल में रेडियल रखना है और एंगल 90 डिग्री रखना है और इसके 50% कर देंगे। अब इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ये ठीक है। अब ओके पे क्लिक करेंगे। अब इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, कंट्रोल की को होल्ड करते हुए जय प्रेस करेंगे। अब इसे रीनेम करना है, तो इसके लिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इसका नाम दे देंगे राइट आई, एंटर की प्रेस करेंगे। अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी प्रेस करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और फ्लिप हॉरिजॉन्टल इस पे क्लिक करेंगे। अब इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ग्रेडियंट ओवरले इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिवर्स पे क्लिक करना है आपको। अब इसे यहां से एडजस्ट कर लेंगे। ये ठीक है। अब ओके पे क्लिक करेंगे। अब नोज बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इसे रीनेम कर देंगे, इसे नाम दे दूंगी नोज। अब एंटर की प्रेस करेंगे। अब लेसो टूल सेलेक्टेड है ऑलरेडी। अब यहाँ पे ट्रायंगल शेप बना लूंगी मैं। अब ब्लैक कलर फील करना है, तो ऑल्ट की को होल्ड करते हुए बैक स्पेस की प्रेस करूंगी। आपका यहाँ पे फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। अब इसे डिसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए डी प्रेस करूंगी। अब ये लेयर स्टाइल कॉपी करनी है, तो इसके लिए यहाँ पे ऑल्ट की को होल्ड करते हुए इस पे क्लिक करूंगी इफेक्ट्स पे और इसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी हो गया। अब ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ये ठीक है। अब ओके पे क्लिक करेंगे। अब मूव बनाना है इसका, तो इसके लिए यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और इसे रीनेम कर देंगे माउंट। अब एंटर की प्रेस करेंगे। अब लेसो टूल से सिलेक्शन बनाना है। अब ब्लैक कलर फील करना है इसमें, तो ऑल्ट की को होल्ड करते हुए बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। अब इसे डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए डी प्रेस करेंगे। अब इसे थोड़ा एडजस्ट करना है, इसके लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा रोटेट कर दूंगी। ये ठीक है। अब यहां पे क्लिक करेंगे। अब ये लेयर स्टाइल इसमें भी कॉपी करना है, तो इसके लिए यहाँ इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और ऑल्ट की को होल्ड करते हुए इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। अब ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर लेंगे। अब ओके पे क्लिक करेंगे। अब इसमें लाइट बर्स्ट इफेक्ट देना है, इसके लिए न्यू लेयर क्रिएट करूंगी यहां से मैं। अब माउथ पे सेलेक्शन बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पे कंट्रोल की को होल्ड करते हुए माउथ का जो थंबनेल है उस पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये सेलेक्शन बन गया। अब व्हाइट कलर फील करना है इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर व्हाइट है मेरा। अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। अब नोज में भी ऐसे ही करना है, नोज में सेलेक्शन बनाना है, तो कंट्रोल की को होल्ड करते हुए नोज के जो थंबनेल है उस पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन बन गया। अब व्हाइट कलर फील करना है, तो इसके लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। अब राइट आई में करेंगे, तो कंट्रोल की को होल्ड करते हुए थंबनेल पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन बन गया।
अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। अब लेफ्ट आई में भी ऐसे ही करना है, कंट्रोल की को होल्ड करते हुए लेफ्ट आई के थंबनेल पे क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं सिलेक्शन बन गया। अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। अब इसे डिसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए डी प्रेस करेंगे। अब मैं लेयर टू को एक बार ऑफ करूंगी, आप देख सकते हैं ये डिफरेंस। अब लाइट बर्स्ट इफेक्ट देना है तो इसके लिए फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और ब्लर के अंदर रेडियल ब्लर इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अमाउंट 100 रखेंगे और ब्लर मेथड जो है वो जूम रखना है और क्वालिटी बेस्ट रखेंगे और ये सेंटर में ही रखना है आपको, ये ठीक है। अब ओके पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आप देख सकते हैं डिफरेंस। अब लेयर टू पे राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे, कलर ओवरले इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे, येलो रख देंगे। अब ओके पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और सॉफ्ट लाइट कर देंगे ब्लेंड मोड इसका, इसकी ओपेसिटी कम करेंगे 50% कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिमूव करना है ये बर्स्ट इफेक्ट जो दिख रहा है वो, तो इसके लिए यहाँ पे लेयर टू पे मास्क ऐड करना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये मास्क ऐड हो गया। अब यहाँ पे फोरग्राउंड कलर ब्लैक रखना है, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉफ्ट राउंड सेलेक्ट करना है आपको ब्रश, और साइज 40 पिक्सल रखी मैंने। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपेसिटी 50% रखेंगे। अब यहाँ पे घुमाएंगे, ये हो गया। अब मैं इसे ऑफ करूंगी, आप देख सकते हैं डिफरेंस। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर अ न्यू विजिटर देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।